हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का जो 10th नंबर का क्वेश्चन ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये देखो, यहाँ पर आपको हिंट भी दे दिया। इसको देखो, पहले तो क्या करने के लिए बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आपको हिंट भी दे दिया कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया ना, वैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बस आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने 9 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको वेरीफाई करने सिखाया था किस तरीके से हम ये नया जो फॉर्मूला हमको दिया गया ना, इसको कैसे वेरीफाई करना है। और इस वाली वीडियो में हम लोग इसको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? तो देखो, यहाँ पर भी हमारा एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब था, तो उसमें एक फॉर्मूला लगा था ना, तो इसको भी हम पूरा एक्स का क्यूब और वाई के क्यूब के टर्म में बना देंगे। अभी देखो, केवल ये वाई का क्यूब और जेड का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो हमको पूरा का क्यूब चाहिए। ये 27 है, इसका भी क्यूब होना चाहिए। 125 जो, इसका भी क्यूब होना चाहिए। तो इसको जब हम पूरे पूरे क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी है। और हाँ, मैंने आपको हमेशा बोला है एक चीज कि आप कम से कम 10 तक के क्यूब याद कर लो और कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये याद रहेगा, तो इससे फायदा देखो आप ही को है। फायदा क्या है? एग्जाम में कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता और हम फैक्टर निकालने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको क्यूब बनाने के लिए बोल दूँ कि 125 का क्यूब बताइए कितने का क्यूब है, 125, तो कई सारे बच्चे जो प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चन को, जो याद किए रहेंगे, वो आसानी से बता सकते हैं कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है। लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, वही फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। 125 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है। अच्छा, ये 5 के पावर में 3 बन गया, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है। तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में आपको ये सब ध्यान रखना है। इसलिए आप क्लास 9th में पहुंच गए हो, NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई स्टेट बोर्ड पढ़ते हो तो मैं एक बार आपको नहीं भी बोलता, वैसे स्टेट बोर्ड में भी जरूरत पड़ने लगा है, वो भी अब इतना ईजी नहीं रह गया। तो यहाँ पर आपको 10 तक के क्यूब और फिर हमारा 20 तक का स्क्वायर कम से कम इतना याद करो, जैसे टेबल आपने याद किया बचपन में ना, वैसे काम आसान हो जाएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, अब सॉल्व कैसे करना है वो समझा देता हूँ। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा क्यूब बनाएंगे। तो 27 है और वाई है, तो वाई का तो क्यूब पहले से है। 27 किसका क्यूब होता है? क्यूब मतलब जो पावर में 3 है उसको ही क्यूब करते हैं। तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3y का क्यूब पूरा पूरा। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का क्यूब यानी 27 हो जाएगा और y का क्यूब उतर जाएगा। सेम उसी तरीके सीधा हमारे पास 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5z का क्यूब। तो इससे हमारा ये पूरा पूरा x और ये पूरा पूरा y बन गया। यानी कि इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्रूव किया था कि जब कभी भी x का क्यूब प्लस में y का क्यूब आता है तो वो हमारा x प्लस y और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर हो जाता है। ये फॉर्मूला भी आपने पिछले वाले वीडियो में प्रूव करना सीखा था, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला देखो हमारा बन गया ना, ये एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब के टर्म में आ गया है। बस ये फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर दो तो ये हमारा कितना बन जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स जगह पर 3y है और वाई की जगह पर हमारे पास 5z है। तो ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस में 5z। उसके बाद फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर इधर वाले में कितना है, एक्स का स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा 3y का स्क्वायर पूरा पूरा। इसको आप बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो ताकि बढ़िया से दिखे, कभी भी अंदर में अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो बाहर में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। तो ये एक्स का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस में एक्स वाई है, यानी एक्स और वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3y और 5z, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमारे पास प्लस में y का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर। मतलब ये ध्यान रखना कि ये y लिखा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि यही y हो। अभी ये प्लेस में x के प्लेस में है, तो इसको हम लोग x मान रहे हैं और इसको हम लोग y मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमारा y का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 5z का स्क्वायर लिख दो और फिर से ये बड़ा ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो आप ब्रैकेट ओपन करके। ये तो इतना ही रहेगा हमारा, 3yz ही रहेगा, यानी कि 3y प्लस में 5z ही रहेगा। उसके बाद अब इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 का, जब ये हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा लो, 5 3 15 और yz मिल करके yz बन गया। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लो, 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा और ये z का स्क्वायर बन जाएगा। बस यही हो गया इसका फैक्टर, और कुछ नहीं करना है, इतनी बस आपको लिखना है क्योंकि इसका आगे अभी सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो बस यही इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम लोग जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना इसका, उसको भी जल्दी इसी तरीके से सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो देखो, ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको 64 दिया हुआ है, 343 दिया हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 4 मल्टीप्लाई 4 16 और 16 मल्टीप्लाई फिर से एक बार 4 होगा तो 64 हो जाता है। उसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है और 49 का एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 343 आ जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको 4m का क्यूब माइनस में 7n का क्यूब। समझ में आया मेरी बात? अब हम जानते हैं क्या है कि अगर हमारे पास ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बनाया था, दूसरा जो वेरीफाई किया था। तो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई और फिर ब्रैकेट में जितने भी होते हैं सब प्लस में हो जाते हैं, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और फिर प्लस में वाई का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हमारा जो था ये माइनस में हुआ था ना एक बार, माइनस एक्स वाई, वही चीज़ यहाँ पर प्लस में हो जाता है। बस यहाँ जो प्लस वाला एक्स वाई था यहाँ पर वो माइनस में हो जाता है,
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला में, इसी आइडेंटिटी में हमको क्या करना है, इसको पुट कर देना है। तो एक्स माइनस वाई है, तो एक्स की जगह पर हमारे पास 4m है, माइनस में वाई यानी कि 7n, इसको आप कर दो ब्रैकेट में क्लोज। दूसरे साइड हमारे पास कितना है, तो एक्स का स्क्वायर है यानी कि 4m का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 4m का स्क्वायर इस तरीके से लिख लेता हूँ। प्लस में एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा 4m मल्टीप्लाई में 7n, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में वाई का स्क्वायर है यानी कि 7n का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7n का स्क्वायर लिख करके ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करो। ये हो गया हमारा 4m माइनस में 7n, ब्रैकेट क्लोज। इधर हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और m का भी स्क्वायर है तो m का स्क्वायर लिख देते हैं। प्लस की साइन लगाओ, 7 4 जा 28 हो गया, m और n मिल करके mn बन गया। फिर प्लस की साइन लगाओ, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये n का भी स्क्वायर है तो n का स्क्वायर उतर जाएगा, क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर रहता है ना ब्रैकेट के बाहर, वो दोनों नंबर के साथ रहता है, कभी भी एक के साथ नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो यही क्या हो जाएगा इसका फिर फाइनल से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये जो आपस में रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों वीडियोस का आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसे भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।